भारत और बर्तानिया जो है वो 50 अरब डॉलर पे ट्रेड लेके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी जब बर्तानिया पहुंचते थे वो ठुड्डे पे ही देने। बर्तानिया के मॉन्चेस्टर एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक पाकिस्तानी खानदान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही शॉकिंग फुटेज है। ये जो मैनचेस्टर में हुआ है, ज्यादती की, और लोग फिर हमें बकरियों की तरह समझते हैं। मैंने खुद कई दफा रेजिस्ट किया है एयरपोर्टों के ऊपर, मुझे खुद कई दफा उन्होंने बकरी की तरह डील करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जो अभी उज्मा बुखारी साहिबा की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, आपने भी सुनी होगी, वो जो बात कर रही थी कि जी जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जाहिद नूर हमारे साथ मौजूद हैं मैनचेस्टर से, हमारे नुमाइंदे, उनसे जरा बात कर लेते हैं। जाहिद, एक तो ये है कि कहा जा रहा है कि खातून अहलकार की नाक की हड्डी टूटी इस तरीके से हाथापाई में। साबिक बरतानवी बॉक्सर आमिर खान भी मैनचेस्टर में रोनुमा वाकये की मुखालफत में सामने आ गए। एक्सपर्ट वीडियो बयान में आमिर खान का कहना था कि जिंदगी में पहली बार बरतानवी पुलिस को एशियाई नौजवानों को इस तरह मारते देखा है। बरतानिया में ऐसा होना इंतहाई खौफनाक और तश्वीशनाक बात है। और अब ये जानिए, बरतानवी पुलिस पाकिस्तानी निशान श्रेणियों पर जानवरों की तरह टूट पड़ी। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की जानिब से पाकिस्तानी निशान बरतानवी शहरियों पर इंसानियत सोज तशद्दुद की वीडियो ने तहलका मचा दिया है। वाकया मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पेश आया। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीगन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और इंडिया को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है, और उसकी बड़ी वजह है कि एक तो ब्रिटेन के अंदर अभी नई नई गवर्नमेंट बनी है और उसके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड किंगडम के डेविड लेमी, वो इंडिया पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ अभी एक वीडियो फुटेज वायरल हो रही है यूके के मैनचेस्टर एयरपोर्ट से, जहाँ पर यूके पुलिस ने फुटेज में देखा जा सकता है कि दो पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह से मारा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया से इसकी वजह कुछ और नज़र आ रही है, लेकिन एक सोशल मीडिया के दावे के हिसाब से वो पाकिस्तानी फैमिली थी। जब यूके पुलिस ने उनके साथ एक महिला खातून को जो कि बुरके में थी उनको चेक करवाने के लिए बोला गया, तो वो पाकिस्तानी भड़क उठे, जिसके ऊपर बहसबाजी हुई और अंततः पुलिस वालों ने उन पाकिस्तानियों को बुरी तरह से मारा। जिस पर कई पाकिस्तानी मीडिया इस बात रो रही है कि एक तरफ जहाँ पे यूके भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की बातें कर रहा है, क्योंकि यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी जो भारत आए हैं उन्होंने न सिर्फ इंडिया और यूके के ट्रेड को 50 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बातचीत हुई है, बल्कि दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट भी हुए हैं। तो वहीं पे पाकिस्तानियों को यूके एयरपोर्ट पे पकड़ के पीटा जा रहा है। ताट साहब, बात शुरू करनी है कि भारत और बर्तानिया जो है वो 50 अरब डॉलर पे ट्रेड लेके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी जब बर्तानिया पहुंचते थे वो ठुड्डे पे ही देने। आपने वो देखा होगा किस तरह पाकिस्तानी लड़कों को, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को। ताट साहब, ये सारे पाकिस्तानी जब पूरी दुनिया में जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि बहुत सारा मिसट्रीट भी सुनने की खबरें आई हैं। चीमा साहब, एक तो ब्रिटिश पाकिस्तानी है और ये वाकई ही इसका क्वेश्चन बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ, मैं खुद अमेरिकन नहीं हूँ, और हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा डायस्पोरा जो है वो सारा अनपढ़ है, उसको अपने राइट्स के नहीं पता, और लोग फिर हमें बकरियों की तरह समझते हैं। मैंने खुद कई दफा रेजिस्ट किया है एयरपोर्टों के ऊपर, मुझे खुद कई दफा उन्होंने बकरी की तरह डील करने की कोशिश की है। हमारे ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम तालीम, क्योंकि आपको पता है 4 करोड़ बच्चा आज भी आपका स्कूल नहीं जा रहा है, और वो 4 करोड़ सारे का सारा बाहर आएगा। ये जो मैनचेस्टर में हुआ है ज्यादती की, जो एक बंदा टेजर के साथ जमीन पर गिरा पड़ा था और उसको उसको पुलिस के जो ऊपर से उसके मुंह के ऊपर उसको ठुड्डे मारता रहा, वो बस एक्सेसिव फोर्स थी। दूसरा बंदा जो पीछे से दोबारा वही पुलिस वाला गया, जब तो उसको उसने कहा कि उसने सरेंडर किया, हाथ खड़े कर लिए, उसके पेट में फिर उसको ऊपर से मारना शुरू कर दिया, दैट वाज एक्सेसिव फोर्स। और फिर वो ऐसा ही होता है जब जब आपकी आपकी तालीम ना हो, जब आपका डायस्पोरा फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, जिहादी और इधर उधर के, जब आप जाहिल हो बकरियों की तरह, तो फिर आपको इसी तरह पुलिस और जज आपको इसी तरह डील करते हैं जिस तरह उसने मैनचेस्टर किया। ये दुख वाली बात। और मैं ये भी बता दूं, हो सकता है मैनचेस्टर का मेयर भी पाकिस्तानी डिसेंट का हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहां, नहीं होगी। कई लॉर्ड है, मैं कई लॉर्ड्स को खुद जानता हूं पर्सनली। आपका लंदन का मेयर पाकिस्तानी अमेरिकन, पाकिस्तानी ब्रिटिश, लेकिन वैल्यू तब होती है जब सोसाइटी में आपके पास तालीम हो, पैसा हो, पावर तब होती है। तादाद में ज्यादा वहां पे होना डज नॉट मीन एनीथिंग। क्वालिटी क्वालिटी और क्वांटिटी में बड़ा फर्क होता है।
आपकी क्वालिटी कोई। ब्रिटानिया के मॉन्चेस्टर एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक पाकिस्तानी खानदान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही शॉकिंग फुटेज है, इस कदर तशद्दुद हो रहा है इन मुसाफिरों पर। नजर आया एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी मैन हैंडलिंग हुई, एक कुछ भी एक से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कॉल आउट भी कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कह रहा, उसके बावजूद उसके ऊपर अटैक हो रहा है। मैनचेस्टर में क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, सो और भी प्रॉब्लमेटिक ये बात बन जाती है। एक रिएक्शन भी आया कम्युनिटी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त अजहर जावेद हमें ज्वाइन करे हैं बटानिया से। आपको कैसा लगा ये फुटेज देख के, और ज़रा इसकी तफसीलात भी हमसे शेयर कीजिएगा। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था बरतानिया की तारीख का, कि जब दो नौजवानों को उनकी वालदा के सामने पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये फैमिली है पाकिस्तानी निजाद कश्मीरी फैमिली है, बरतानिया के ही रिहायशी हैं, रॉचडेल मैनचेस्टर के साथ एक टाउन है, और ये पाकिस्तान से अपने दोनों नौजवान, एक उनका नाम फाहिर है 19 साल उसकी उम्र है, दूसरा अम्बाद उसका बड़ा भाई, दो ये अपनी वालदा के हमरा पाकिस्तान से पहुंचे थे मैनचेस्टर। ये पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो वहां पर इनका किसी से झगड़ा हुआ, जिस पर पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने आकर इन नौजवानों से बात की, और आते ही उनका जो रवैया ऐसा था कि दोनों नौजवान जो है वो भी, जो वाकयात आ रहे थे वो भी मुश्किल हुए। उसके बाद जो कुछ किया बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर की पुलिस ने, वो सबके सामने है। जो नौजवान है फाहिर, उसके सर पर जो ये पुलिस बूट काफी हैवी होते हैं उससे उसको मारा गया, और ये वाकया एक ऐसा वाकया था जिसने कम्युनिटी को हिला के रख दिया। ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाली जो कहानी है, इसमें पाकिस्तान के अंदर कैसा रिएक्शन है? जहां तक बात है मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाली, आपने देखा कितनी बुरे तरीके से उसके सर में मारा गया, उसको पीटा गया, मतलब उसको फिजिकली अब्यूज किया गया। पाकिस्तान का इमेज जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से कंसीडर किया जाता है कि टेररिस्ट होते हैं, या अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना, और उससे कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दो। मतलब अगर वो नहीं भी है ना, तब भी ये वाली चीज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है। बट अदर देन दैट, यहाँ पे हमारा अपना फ्लॉ भी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज इतना खराब किया हुआ है। आप देखें कि कैनेडा का कोई बंदा अगर कहीं पे कुछ हो तो कनाडा जंग का ऐलान कर देता है, इसी तरह यूके के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया के किसी जो है ना सिटीजन को कुछ हो जाए, तो इंडिया से कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बट पाकिस्तान में यही चीज लैक कर रही है। यू नो वेल के वही तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे पे होल्ड ऑन किया हुआ, उन्होंने हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं सिर्फ एड इकट्ठी करने, पैसा लेने, तो वो भी वहां जाके क्या ही कहेंगे, हमारे सिटीजन के साथ क्यों किया गया।